गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बच्चों क्लास सिक्स में आज मात्रक से आप क्या समझते हैं, लंबाई का मात्रक क्या कहते हैं, मानव मात्रक क्यों माना जाता है। ठीक है, पूरे संसार के वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ ने मात्राओं के माप के लिए एक मानक मात्रकों का एक समूह बनाया गया। मानकों के इस समूह को मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है तथा इस पद्धति के मात्रकों को एसआई मात्रक कहा जाता है। देखो भाई, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मात्राओं की माप के लिए एक विशेष प्रकार के मानकों का समूह बनाया और जो मानकों का जो समूह था उसे क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं। और इस ये मात्रक कहाँ रखे गए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा ये रखे गए हैं। इस पद्धति को मात्रकों की एसआई पद्धति कहते हैं। तो देखो बच्चों, देखो लंबाई का अगर मात्रक की बात करें, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर होगा, हर जगह ये लंबाई का मात्रक मीटर ही होगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, अर्थात द्रव्यमान हर जगह आपका किलोग्राम में ही नपता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समय का हमेशा जो मात्रक होगा वो सेकंड ही होगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, यहाँ पर भी केल्विन होगा और हर जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका जो मात्रक होगा वो केल्विन होगा। तो देखो बच्चों, एसआई पद्धति के अनुसार लंबाई का मानक मीटर है। एक मीटर फ्रांस में पेरिस में गुजरने वाली देशांतर रेखा के परिथे भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव के बीच की दूरी का 10 मिलियनवां भाग ही क्या कहलाता है, आपका एक मीटर कहलाता है। तो बच्चों ये नोटबुक में करना है। थैंक यू।